सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि कार्तिक का महीना जो आता है तो इसका नाम कार्तिक का ही महीना क्यों रखा, शंकर जी के पुत्र के नाम पर ही इसका नाम क्यों रखा? भाई पुरुषोत्तम मास आता है, अधिक मास आता है, तो हम कह देते हैं कि भगवान नारायण ने अपना नाम, भगवान कृष्ण ने अपना पुरुषोत्तम नाम उस मल मास को दिया था, इसलिए उसका नाम पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास है। पर कोई आपसे पूछ ले कि ये जो कार्तिक का महीना आता है तो ये शंकर भगवान के पुत्र का नाम है कार्तिक है, फिर ये इस महीने का नाम कार्तिक क्यों रखा गया, उसका कारण क्या था? तो सर्वप्रथम इस महीने को कार्तिक मास इसलिए कहा गया क्योंकि ये वो महीना है जिस महीने में भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का संहार किया था। अड़ी शिव ने बनाई, पल शंकर जी ने बनाया, घड़ी पल समय नक्षत्र वार तिथि महीना वर्ष सब शिव का बनाया हुआ, सारा की सारा सृष्टि का जितना ये घड़ी पल समय सब महीने दो महीने साल ये सब शिव के बनाए हुए हैं। जब सब शंकर जी ने बनाए तो प्रभु रजिस्ट्री कराना, रजिस्ट्री किस चीज की? 12 महीने जो आपने बनाए हैं उसमें से एक महीना आपके बेटे के नाम करना, होगी रजिस्ट्री? 12 महीने में से एक महीना किसके नाम पर है, जम के बोल दो, कार्तिक जी। बाकी के सारे महीने उठाकर देख लो, पूस माघ चैत्र अश्विन जितने भी महीने देखोगे किसी देवता के नाम पर नहीं, केवल एक महीना, और एक वो तीन साल में एक बार आए, कौन सा? अधिक मास, वो भी भगवान ने दिया, और वो 12 महीने में नहीं आए, वो तो बीच में फंस जाए, इसलिए उसका नाम है 12 से अधिक, इसलिए उसका नाम अधिक मास। तो भगवान कृष्ण ने उसको अपना नाम दिया पुरुषोत्तम, पर बाकी के 12 महीने निकाल कर देख लो आप, माघ मिलेगा, पूस मिलेगा, चैत्र मिलेगा, वैशाख मिलेगा, अश्विन मिलेगा, सारे महीने मिलेंगे, मल मास अधिक अधिक सब मिल जाएंगे, पर देवता के नाम से कोई मास नहीं मिलेगा। देवता के नाम से अगर कोई मिलेगा तो केवल एक मिलेगा, वो है कार्तिक मास, क्योंकि यह प्रॉपर्टी में लिख दिया गया, सील ठप्पा लग के सिग्नेचर होके ठप्प कि ये दुनिया के लोग कार्तिक के महीने में तारा स्नान क्यों करते हैं? कौन सा स्नान? तारा स्नान। तारा स्नान का मतलब मालूम है? जम के बोलो, है तारा स्नान का मतलब क्या है? अंधेरे में स्नान, मतलब सूर्य का प्रकाश आए उससे पहले ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह स्नान कर लेना। तो तारा स्नान का मतलब कार्तिक महीने में क्यों वर्णन किया गया, तो उसकी भी एक कथा है महाराज, बड़ी सुंदर चरित्र है। एक बूढ़ी माँ थी, रोज प्रतिदिन तारा स्नान करती थी, उसका नियम था। प्रतिदिन तारा स्नान करती, अच्छा तारा स्नान का भी बड़ा महत्व है महाराज जी, समय के अनुसार हो जाए तो ठीक है। तारा स्नान कौन सा स्नान? कार्तिक की, अगर आपके पास में कार्तिक महत्तम की किताब होगी उसमें भी लिखा होगा, स्कंद पुराण पढ़ोगे या विष्णु पुराण पढ़ोगे उसमें भी लिखा होगा तारा स्नान का महत्व। कौन से स्नान का? तारा स्नान। तारा स्नान का महत्व वर्णन लिखा है ब्रह्म मुहूर्त में। आप हर चीज का एक समय होता है, उस समय की अनुकूलता में आप अगर भगवान की भक्ति को धारण करते हो, समय की अनुकूलता में भगवत स्मरण को धारण करते हो तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। ब्रह्म मुहूर्त का स्नान लिखा है तो ब्रह्म मुहूर्त में करिए। तारा स्नान लिखा है कि सूर्य उगे, सूर्य प्रकाशित हो उससे पहले आप स्नान कर लीजिए। कार्तिक महीने का एक नियम बना लो आप भी, कोई सा भी एक नियम, शाम के समय पर दिया लगाऊंगी मैं,
बेलपत्री के पेड़ के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे, वहां लगाने नहीं जा सकती तो अपने दरवाजे के बाहर लगाऊंगी, तुलसी के क्यारे में लगाऊंगी। ये भी नहीं कर सकती, परिंडे पर दिया लगाऊंगी, जहां पानी का मटका हो, हंडा हो, वहां लगा दूंगी। ये भी नहीं कर सकती तो पूरे कार्तिक के महीने में दरवाजे पर मैं पानी छीटूंगी। इतना तो बना सकते हो कि अपने घर के दरवाजे पर मैं पानी छीट दूंगी, द्वार पर जल का छींटा कर दूंगा। ये भी नियम ना बने तो मैं प्रतिदिन ठाकुर जी को एक तुलसी का दल समर्पित कर दूंगा, तुलसी का दल। किसी भी महीने के अंतर्गत प्रसंग में आपने नहीं सुना होगा कि भगवान विष्णु और भगवान शंकर का मिलन हुआ, पर कार्तिक महीने की बैकुंठ चतुर्दशी का दिन एक ऐसा होता है जिस दिन शंकर और शिव, शंकर भगवान और भगवान विष्णु का मिलन होता है। एक बात आपको पहले भी कही, सारी दुनिया की दिवाली देखना और उज्जैन महाकाल के उस पावन नगरी में हरिहर मिलन देखना। कहां पर जम के बोलिए, उज्जैन महाकाल की नगरी में हरिहर मिलन देखना। सारी दुनिया में जितने, पूरी पृथ्वी पर जितने फटाके दिवाली पर छूटते होंगे, उतने फटाके उज्जैन नगरी में हरिहर मिलन के दिन छूटते होंगे, उतने फटाके। कि आज शंकर और भगवान हरि का, मेरे ठाकुर का, मेरे राम का, मेरे कृष्ण का, मेरे गोपाल का मिलन हो रहा। आज महाकाल राजा मेरे भगवान नारायण से मिलने के लिए आए हैं। और एक बात और अच्छे से कह दें, जितने फटाके दीपावली पर छूटते होंगे, उतने फटाके उससे ज्यादा भगवान शंकर और नारायण के मिलन पर छूटते हैं बैकुंठ चतुर्दशी पर। और जितने फटाके बैकुंठ चतुर्दशी पर उज्जैन महाकाल की नगरी में गोपाल जी और महाकाल के मिलन पर छूटते होंगे, उससे ज्यादा फटाका जिस दिन भक्त और भगवान मिलता होगा उतने छूटते होंगे। उससे ज्यादा फटाके तब छूटते हैं जब एक भक्त का मिलन भगवान से होता है। एक निर्मल मन का जीव जब परमात्मा से मिलन करने के लिए जाता है, केवल एक कार्तिक का महीना एक महीना ऐसा है जिस महीने में भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर, भगवान शंकर और भगवान नारायण दोनों का मिलन हुआ है, कार्तिक के महीने में। कार्तिक के महीने में, इसलिए भगवान सारे महीनों में सबसे ज्यादा प्रियता महीना कौन सा है बोलिए जरा। कार्तिक का महीना भगवान नारायण को अति प्रिय है, अति प्रिय। कोई एक नियम धारण, कार्तिक महीने में किया गया दान, कार्तिक महीने में किया गया पुण्य, कार्तिक महीने में किया गया सत्कर्म, कार्तिक महीने में, इसीलिए कार्तिक के महीने में गोपाष्टमी आती है, इसलिए कार्तिक के महीने में अन्नकूट महोत्सव होता है, इसलिए कार्तिक महीने में दीपदान का महत्व होता है, कार्तिक के महीने में दान पुण्य की मात्रा बढ़ जाती है, दान की मात्रा बढ़ जाती है, पुण्य की मात्रा बढ़ जाती है, सत्कर्म की मात्रा बढ़ जाती है, भजन की मात्रा बढ़ जाती है।